तो ये जो हमारा वीडियो है वो सेट वन, सेट टू, सेट थ्री तीनों के छात्रों के लिए है, क्योंकि मैंने इसमें अननोन पैसेज, तीनों ही सेट में जो अननोन पैसेज पूछा गया था उसका मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन किया है। इस वाले पैसेज का जो सेक्शन ए में था और इसका सॉल्यूशन इधर क्वेश्चन था, ये अननोन पैसेज आप पढ़िए और क्वेश्चन का सोल्यूशन दीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ और ये कौन सा ये आंसर कहाँ से मैंने चिकआउट किया है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर अननोन पैसेज पढ़िए और उसके बेसिस पर आप दीजिए कि कौन सा आपका सही है। तो द डांसिंग गर्ल बिलोंग्स टू मोहन जोदारो, ठीक है। तो इसमें ए क्यों आंसर किया गया है, तो यहां पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि कैस्ड बिहाइंड थिक ग्लास द मोस्ट फेमस डांसर इन द वर्ल्ड कैन इजिली बी मिस्ड इन द नेशनल म्यूजियम दिल्ली द डांसिंग गर्ल्स ऑफ गर्ल ऑफ मोहन जोदारो, ठीक है। तो यहां पे क्लियर हो गया कि जो डांसिंग गर्ल थी वो मोहन जोदारो की थी। अब है कि इन द म्यूजियम सी इज केप्ट अमंग, म्यूजियम में वो किसके बीच रखी गई थी, तो यहाँ पे सी नंबर यानी कि टेराकोटा एनिमल्स यहाँ पे टिक आउट किया गया है। ये कहाँ से किया गया है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है यू हैव टू बी अलर्ट टू हर एग्जिस्टेंस देयर अमिड टेराकोटा एनिमल्स, यानी कि उसको टेराकोटा एनिमल्स के बीच में रखा गया था। फिर यहाँ पे आप आ सकते हैं कि विच इन्फॉर्मेशन इज नॉट गिवन इन द पैसेज, इस पैसेज में कौन सा इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये जो पहला वाला है कि द गर्ल इज केस्ड बिहाइंड ग्लास, आपको ये तो सबसे पहले ही मिल जाएगा। फिर दूसरा आप देख सकते हैं सी इज रेयर आर्ट फैक्ट, ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा डेट रेयर आर्ट फैक्ट। उसके बाद स्कूल बुक्स कम्युनिकेट विद द वेल्थ ऑफ द हेरिटेज, यहाँ पे भी हमको मिल जाएगा। आवर स्कूल टेक्स्ट बुक्स ऑल्सो कम्युनिकेट विद द हेल्थ ऑफ वेल्थ ऑफ, तो यहाँ पे ये भी हमको मिल चुका है। तो ऑप्शन नंबर फोर जो है सी कैनॉट बी रीडिस्कवर्ड एज सी इज ब्रॉन्ज, ठीक है। तो ये जो हमारा है वो इन्फॉर्मेशन नहीं है पैसेज में। ग्रेट आर्ट का मतलब होता है कि इसको हम मिलियंस टाइम, ये देखिए पैसेज पढ़ने के बाद ये आपको फील होगा कि इसमें कौन सा सही है। तो ग्रेट आर्ट का मतलब मुझे फील हुआ कि इट इज़ मैग्नीफाइड ए मिलियन टाइम्स, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि ऊपर के तीनों में से कोई ऑप्शन हो सकता है तो आप कमेंट बॉक्स में आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर होगा ग्रेट आर्ट हैज़ पावर बिकॉज इट इज़ मैग्नीफाइड अ मिलियन टाइम्स। उसके बाद देख सकते हैं कि कौन सी ज्वेलरी वो पहनी हुई थी, तो बैंगल्स कंसिस्ट ऑफ बैंगल्स ऑफ सेल और आइवरी और थिन मेटल ओनली, यहाँ पे आप देख सकते हैं वन, और फिर दूसरे में जो दिया हुआ है उसमें टू पेंडेंट्स की बात की गई है लेकिन यहाँ पे थ्री पेंडेंट्स है, ठीक है। तो दूसरा जो हमारा है वो गलत हो गया, तो बोथ वाला तो ऑप्शन होगा नहीं, ठीक है। तो बोथ वाला तो ऑप्शन होगा नहीं, लेकिन इसमें जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो बैंगल्स पहनी हुई थी, सेल और आइवरी इसमें था और थिन मेटल था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक टिक आउट है। लेकिन कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसमें वन और टू दोनों में से कोई नहीं होगा क्योंकि इसमें ओनली दिया हुआ है, तो आप अपने यहाँ पे सुझाव दे सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ऑप्शन नंबर वन है क्योंकि वो कौन सी ज्वेलरी पहनती थी, तो मैं बोलूँ कोई नहीं, ठीक है, लेकिन वो ये ज्वेलरी तो पहन रही थी, ओके, तो इसलिए मैंने वन इसको सेलेक्ट किया है। सी रिमाइंड्स अस, सी रिमाइंड्स अस वाई म्यूजियम इन आवर कंट्री आर एक्साइटिंग। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि ये इम्पॉर्टेंट बताता है, इम्पोर्टेंस बताता है म्यूजियम्स का कि हमारे कंट्री में म्यूजियम्स क्यों होना चाहिए, ठीक है। तो सी रिमाइंड्स अस वाई म्यूजियम्स इन आवर कंट्री आर एक्साइटिंग, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो और भी क्वेश्चन है, द सिनोनिम ऑफ द बर्ड अमंग पैराग्राफ वन, तो इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अमंग के पैराग्राफ वन में अमंग का जो है कौन सा बर्ड है जो अमंग का बिल्कुल एक जैसा है, अमंग का साइनोनिम है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अमंग का यहाँ पे अमिड दिया गया है, अमिड टेराकोटा एनिमल्स, यहाँ पे हम अमंग भी डाल सकते थे, ठीक है। तो यही पूछ रहा है कि अमंग का कौन सा साइनोनिम यहाँ पे हो सकता है, तो अमिड। और उसके बाद पूछ रहा है कि द साइज ऑफ द डांसिंग गर्ल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ह्यूमन पाम, तो यहाँ पे ट्रू है क्योंकि यहाँ दिया हुआ है कि 10 सेंटीमीटर टॉल थी द लेंथ ऑफ ह्यूमन पाम, ठीक है। तो मैंने इसका जो अननोन पैसेज का जो क्वेश्चन था वो कर दिया। अब नेक्स्ट आपको अगर सेकंड पैसेज का भी चाहिए, ये तीनों सेट के लिए था, नेक्स्ट आपको सेकंड पैसेज का भी चाहिए कि सर ये सेकंड अननोन का भी कर दिए, तो आप कमेंट बॉक्स में आ सकते हैं। और कौन से सेट वाले का, जिन सेट वाले का सबसे ज्यादा कमेंट आएगा मैं उनका ही यहां पर सबसे पहले लेके आऊंगा नेक्स्ट। तो चलिए शुरू कर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो।